Assalamualaikum friends, welcome back to my channel. तो मैं आज vlog बना रही हूँ और आज है अलविदा जुम्मा, तो आप सभी को अलविदा जुम्मा मुबारक. और afternoon का time हो रहा है, मैं उठ के नहा के कुर्ती पहन ली हूँ और नमाज भी पढ़ ली मैंने. और आज सुबह मैं सोई थी बहुत लेट, मतलब 8:30 बजे सोई थी मैं शायद, क्योंकि मैं सहरी करने के बाद नमाज पढ़ रही थी और कुछ थोड़ा बहुत पढ़ना था वो पढ़ी, फिर मैं स्टडीज़ करने बैठ गई थी. उसके बाद मैं फिर सो गई, तो मैं दोपहर में उठी हूँ और नहा धो के अभी आपके सामने हूँ नमाज पढ़ के. और जैसे कि मैं अभी थोड़ी वीडियो में क्लिप्स डालूँगी कि हमने एक चीज़ लिए थे, एक मेरी बहन के लिए गिफ्ट लिए थे, अर्शिया के लिए फ़ोन लिए थे, उसका मतलब मेरा ये वाला ब्लॉग जो है उससे पहले मैंने जो वीडियोस बनाई थी उसके क्लिप्स मैं आप लोगों के लिए डाल दूँगी. और मतलब मैंने नमाज़ पढ़ के अभी ब्लॉग स्टार्ट करी हूँ बहुत लेट, और मैं आपको अभी नज़र की नमाज़ान होगी, फिर मैं असर की नमाज़ पढ़ूँगी, फिर इफ्तारी का टाइम होगा और मम्मी ने इफ्तारी में जैसे कि मैंने कल एक और क्लिप बनाई थी वीडियो की, वो सब मैं आपके लिए डाल दूँगी. वो सब मम्मी ने इतनी सारी चीज़ें बनाकर जो है स्टोर कर दिए हैं, तो वो सब बनाएंगे हम लोग, फ्राई करेंगे. और चीज़ रोल था उसमें, ब्रेड पिज़्ज़ा था और कटलेट्स थी और भी कुछ था, समोसा था, तो वो सब है. तो आज इफ्तारी में उसी में से कुछ बना लेंगे हम लोग. और अभी मैं आप लोगों को मिलती हूँ असर की नमाज़ पढ़ने के बाद इफ्तारी के टाइम पर. यहाँ हमारा ऑयल गर्म हो रहा है और ये बहुत आसानी कर दी है मम्मी ने, सब कुछ स्टोर कर दिया, सिर्फ निकाल के फ्राई करना रहता है, जो बहुत अच्छी हो जाता है. यस, और आज हमारे बहुत प्लान्स हैं, बहुत कुछ करना बाकी है जो कि पेंडिंग है. तो ये इफ्तारी के टाइम पे आज हमारे घर पे बना था फालूदा, और क्योंकि मेरे को फालूदा नहीं पसंद है तो मैंने अपने लिए निकाल ली जूस. तो फ्रेंड्स, हमारी इफ्तारी हो गई है और अभी 7:30 बज रहे हैं, मैंने पढ़ ली मगरिब की नमाज़, और अभी मुझे जाना है कुछ बुक्स लेने के लिए जो मेरी क्लास के लिए मुझे चाहिए, तो थोड़ी बुक्स ले लूँगी. उसके बाद मेरी 8 बजे क्लास है तो वहीं जाना, तो उसके बाद मैं 9 बजे तक घर पर आ जाऊँगी. और उसके बाद के भी हमारे प्लान से कि हमें कहाँ जाना है और शॉपिंग करना है थोड़ा बहुत, वो सब भी आप लोगों को बताऊँगी. और आज अच्छा कर रही हूँ, यूट्यूब चैनल भी क्रिएट करना है मुझे, तो वो मेरा काम है, वो मैं कर दूँगी उसको. तो अभी जाते हैं और सबसे पहले अपना काम कर लेते हैं, क्लास जाके आते हैं, फिर आप लोगों से मिलती हूँ. तो जैसा कि मैंने शाम को बोली थी क्लास से आने के बाद कि हम लोग क्लास जाने से पहले शायद कि हम लोग रात को कहीं शॉपिंग करने जा सकते हैं, और फिर मैंने आके हम लोगों ने डिनर किए थे, और डिनर के बाद डिनर में मम्मी ने बहुत टेस्टी पुलाव बनाए थे. फिर डिनर के बाद मैंने नमाज़ पढ़ ली और मैंने कुर्ती निकाल के नाइट ड्रेस में आ गई, जो मेरे को एकदम कंफर्टेबल लग रहा है क्योंकि मेरे को बहुत गर्मी हो रही थी. और अभी हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए, और अभी बज रहे हैं 1:00 और हमें कोई आइडिया नहीं मतलब कि हम लोग क्या क्या शॉपिंग करने वाले हैं, कुछ भी डिसाइडेड नहीं है, जाकर देखेंगे जो अच्छा लगेगा ले लेंगे. और आई नो मैंने बहुत ज़्यादा डार्क लिपस्टिक लगाई है क्योंकि मेरे को मन कर रहा था. और अभी बस मेरी मम्मी हम लोग रेडी हो जाए, फिर नीचे जाते हैं, फिर आप लोगों से मिलती हूँ. न्यू कवर जो हम लोग ने जब फ़ोन लिया था तभी ये कवर है, हेलो किटी वाला. तो यहाँ पर हमारी शॉपिंग होती है स्टार्ट, और यहाँ पर इतनी ज़्यादा रश था ना, मतलब बहुत सारे लोग आए थे, आई थिंक सारे ही मेरे ख्याल से यहाँ से ही शॉपिंग करते बच्चों के. तो हम लोग ने बड़ी रात के लिए ड्रेसेस ले लिए हैं मॉल अर्शिया के, जो हम लोग कल पहनेंगे. और इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना, और हम लोग लास्ट टाइम भी ईद का ड्रेस करें नबीला से आए थे, क्योंकि यही स्टोर जो है हमें कन्वीनियंट रखता है, तो इसलिए हमेशा इधर ही आ जाते हैं हम लोग. अब देखते हैं कोई टी शर्ट मेरे लिए. फिर शॉपिंग करते करते हम लोग को लग गई थी प्यास, तो ये यहाँ पे कुछ यूनिक है, गोटी वाली सोडा है ये, जो हम लोग अजमेर शरीफ में पीते थे और हमारे गांव में मिलती थी, वो बहुत अच्छी थी लाइम फ्लेवर की. लोग शॉपिंग करने के लिए मोहम्मद अली रोड जाते हैं और हम इधर आ गए, बट हम मोहम्मद अली रोड पर भी शॉपिंग कर सकते हैं, लेकिन है ना वहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि हमारे को समझ ही नहीं आता क्या ले और क्या ना ले, हम लोग इधर आ गए. तो बड़ी रात का ड्रेस मेरा आ गया था, और यहाँ पर हम लोग पासीद के लिए देखने आए थे, बट मेरी साइज़ के कपड़े नहीं मिल रहे थे, और जो मेरी साइज़ के थे वो मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे, तो यहाँ तो कुछ काम नहीं हुआ हमारा. तो यहाँ पे एक स्टोर पर आए हैं हम लोग,
जो क्लियर रोड पर ही है, और यहाँ पे मम्मी के लिए ड्रेसेस देख रहे थे तो उनको पसंद आया तो अभी चेंजिंग रूम में चेंज करके देख रहे हैं, और ऊपर के रूम में मतलब अपस्टेयर्स है, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे सारे कपड़े हैं और ऊपर आके चेंजिंग रूम आता है। और इसका मतलब इंटीरियर इतना अच्छा लग रहा मुझे, नीचे भी इतना अच्छा लग रहा था और इधर भी अच्छा लग रहा। तो इससे पहले हम लोग दो स्टोर्स में जा चुके थे, मैं और अर्शिया के लिए बासित के लिए ड्रेस लेने, हमारा ईद का भी आ गया है, बड़ी रात का भी आ गया है, मगर वो दो स्टोर्स में क्या हुआ कि मेरी साइज़ के अर्शिया के लिए भी देख रहे थे हम लोग, मगर उसके बासित का ऑलरेडी घर पे उसके पास है, न्यू रखा हुआ था उसका, तो वो बोली कि अभी मेरे लिए नहीं देखो, मेरे पास एकदम न्यू कपड़े उसके रखे हुए थे, तो मैं मेरे लिए देखने हम लोग गए। और एक जगह हमें कपड़े मिल रहे थे तो मेरी साइज़ नहीं थी, और एक जगह मेरी साइज़ थी तो कपड़े अच्छे नहीं लग रहे थे, और एक जगह तो अंकल सीधा मेरे को देख के बोलते कि 10-11 की एज के कपड़े निकालो, मैं कि 10-11 की लग रही थी उनको, बट इट्स ओके, वहाँ पर भी मुझे कुछ मिला नहीं। तो हम लोग सोचे कि हमारा थोड़ा साइड पर रखते क्योंकि बासित को भी थोड़ा टाइम है, हम लोग एक दो दिन पहले आके भी देख सकते हैं, अच्छा कोई टी शर्ट वगैरह ले लेंगे, क्योंकि कुर्ती हम लोगों ने बड़ी रात के लिए और ईद के लिए भी ली है, और कुर्ती बहुत अच्छी मिल गई है, और मैं और अर्शिया का ईद के दिन भी ट्विनिंग कलर हो गया है, और कर के लिए भी जो कलर है हमारा सेम हो गया है, और ये हमने डिसाइड बाई चांस, ये हमने डिसाइड नहीं किए थे कि हमें ट्विनिंग करना है, बट हमें ड्रेस ही ऐसे पसंद आया कि उसको भी वही कलर का, मुझे भी वही कलर का। अब यहाँ पे मम्मी के लिए इतने अच्छे कपड़े देख रहे हैं, अब वो लेते हैं और 2:30 बज गए, थोड़ी देर में फिर जाते हैं घर, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो ये वही शॉप है जहाँ पे मम्मी के लिए हमने ड्रेस देखे थे, मैंने वहाँ पे ऊपर के रूम पे मतलब ऊपर का शूट की थी, और यहाँ पे नीचे है ना उनके परफ्यूम्स, उनके खुद का ब्रांड था, और बहुत सी चीज़ें थी, पर्सेस थी, एसेसरीज थी, पाकिस्तानी ड्रेस था, सब था इधर। सो दिस इज परफ्यूम समर फ्रॉम माय परफ्यूम ब्रांड कॉल्ड कासा डेल परफ्यूमो, एवरी परफ्यूम हैज अ स्टोरी दिया है इन, सो व्हेन आई वाज विजिटिंग इटली आई वाज गोइंग टू पोर्टोफिनो फॉर माय समर वेकेशन, and when you visit Portofino in Italy you feel the smell of the fresh lemons, the sea, the fruits over there and the surrounding, so inspiring, I was inspired by that and I launched this perfume Portofino Summer. Every lady buys this and we are sold out completely. It's a unisex perfume but right now ladies are buying it more than men. Bye, thank you for visiting our store. तो अभी 3:47 हो रहे हैं और हम लोग घर पर अभी आए हैं, मतलब जस्ट घर में एंटर किए, फ़ैन ऑन किए और सब थैले रखे, और अभी वीडियो मैं बना रही हूँ, और मैं पूरा वीडियो जो है अनबॉक्सिंग का वो सब कुछ मैं क्लिप उसकी डाल दूँगी, बट फिलहाल हमारा सहरी का टाइम हो रहा है, रोज़ जो है हम लोग घर में ही होते हैं तो सहरी जल्दी मतलब हमारे से तैयार हो जाती है, अभी हम लोग ने खीमा भी ले लिए हैं तो अभी जल्दी से सहरी की तैयारी करते हैं, और तहज्जुद की नमाज़ भी पढ़नी है वो पढ़ लेते हैं, तहज्जुद की नमाज़ और सहरी करने के बाद मैं आप लोगों को परफ्यूम बताऊंगी, और उसकी जो लिंक है और उसकी जो इंस्टाग्राम आईडी है वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप लोग भी देख लेना। अभी हम लोग बहुत थक गए हैं क्योंकि हम लोग लगातार 2-2.5 घंटे सिर्फ शॉपिंग करके ही आए हैं, तो अभी मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद। तो अभी हमने सहरी कर ली है और नमाज भी पढ़ लिए हैं, और अभी 5:30 ऐसा कुछ टाइम हो रहा है, और आज हम लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय किए, शॉपिंग किए और बहुत मज़ा आया, सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे जो है परफ्यूम्स लेने में आया, और वो शॉप में भी बहुत मज़ा आया, और वहाँ हमने जो परफ्यूम लिए थे उसकी फ्रेगनेंस बहुत ज़्यादा अच्छी थी, फ्रेगनेंस इतनी अच्छी थी कि ऐसा लग रहा था हम लोग के जो परफ्यूम ले रहे हैं वो दुबई का है, या दुबई मॉल में भी जैसा परफ्यूम्स होते थे ना उसकी स्मेल भी, उसकी फ्रेगनेंस भी ऐसी ही होती थी, मतलब उन लोगों ने टेस्टर के लिए भी हाथ में दिए थे, अभी भी मेरे हाथ में है और मैं बार बार से स्मेल कर रही हूँ, उसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है मुझे, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा वो परफ्यूम, वो स्टोर और वो लोग भी बहुत अच्छे थे, इतने अच्छे स्वीट लोग थे, बहुत अच्छे से बात किए, और उनकी इंस्टाग्राम आईडी, उनकी लिंक और उनका एड्रेस जो भी है मैं वो डिटेल्स में डाल दूँगी आप लोगों के लिए, आप लोग भी ज़रूर विज़िट करना, उनकी मतलब खुद की प्रोफाइल है और उनका खुद का ब्रांड है परफ्यूम का, तो आप लोग भी ज़रूर ख़रीदना, और
मैं बता रही थी कि आज जो है वो है बड़ी रात और उसका व्लॉग मैं अलग बनाऊंगी मेरे चैनल पे। हमने न्यू ड्रेस ली है और हर चीज़ का, और ईद आ रही है तो इसके लिए हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, बट एक चीज़ है कि रमज़ान भी जा रहा है और मतलब बहुत ही कम रोज़े हैं, मतलब 2-3 ही हैं, और ऐसा हो रहा है कि इतना जल्दी रमज़ान चला गया मतलब मालूम ही नहीं पड़ा। और एंडिंग के 2-3 रोज़े होते हैं, उसमें ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो ईद की तैयारियों में इतना लग जाते हैं कि इबादत तो बहुत ही कम हो जाती है, मगर एंड टाइम के रोज़े जो होते हैं ना, ये टाइम बहुत प्रेशियस होता है। तो ये टाइम पे बहुत ज़्यादा दुआएं मांगनी चाहिए, और हम लोग भी ट्राई कर रहे हैं कि शॉपिंग में इतना बिजी ना हो जाए कि हमारा जो टाइम है प्रेशियस वो हम लोग गवा दें। और इसके लिए पूरा अगले साल हमें पूरा 1 साल वेट करना पड़ेगा। और अभी तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ क्योंकि आज का मेरा दिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक था। इतना ज़्यादा ब्लॉग में बता नहीं पाई, मगर मैं आज बहुत थक गई हूँ। मेरे शोल्डर्स में भी पेन हो रहा है और मैं थोड़ी देर बाद सो जाऊँगी, मतलब 6:30 बजे तक सो जाऊँगी। और अपना ये वीडियो यहीं एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा, और नेक्स्ट ब्लॉग के लिए स्टे ट्यून्ड। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।